सो आज की वीडियो है ऑल अबाउट रिमूविंग सन टैन। सन टैन एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से रिमूव नहीं होती है। नेचुरली ये रिमूव होने में ऑलमोस्ट एक महीना लग जाती है। मैं जस्ट अभी सीबी से घूम के आई हूँ, मेरी फेस पे, मेरी हैंड पर देखिए आधा अभी टैन है, फेस पे, नेक पे, ईयर पे काफ़ी ज़्यादा टैन है। नाउ दुनिया में ऐसी कोई रेमेडी, कोई प्रोडक्ट पावरफुल ऐसी कुछ भी नहीं है जिससे सन टैन एक बार में ही रिमूव हो जाएंगे। ब्लीच है बट वो उतनी ज़्यादा स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, हानिकारक होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रेमेडी जिससे सन टैन रिमूव करना बहुत आसान हो जाती है। नाउ मैंने ले लिया है बेसन 1 टीस्पून, उसके साथ मैंने यहाँ पर रख दिया है कर्ड 1 टीस्पून, एंड कर्ड के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 लेमन की जूस। लेमन यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्वीट आमंड ऑयल, रोगन बादाम शिरीन का थोड़ा सा है, ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो स्किप कीजिए। एंड लास्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कस्तूरी हल्दी, वॉल टर्मरिक जो होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कच्चा जो रॉ टर्मरिक होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड सिंपली आपकी स्किन के ऊपर, मतलब स्किन को अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा थिक लेयर अप्लाई कर लीजिए, एंड बॉडी पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर भी आपकी टैन है वहाँ पर थिक लेयर अप्लाई कर लीजिए। मैं फेस पर, नेक पर, ईयर पर, हैंड्स पर अप्लाई कर लूँगी। इसमें जो जो रेमेडीज़ है लाइक बेसन, दही, लेमन जूस, उसके बाद मैंने ऑयल अप्लाई किया है, बादाम ऑयल, फिर टर्मरिक पाउडर, ये सारी रेमेडीज़ सन टैन रिमूव करने के लिए बेस्ट रेमेडीज़ होती है। इससे बेहतर कोई रेमेडीज़ हो ही नहीं सकती, नेचुरल रेमेडीज़ तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसे अप्लाई कर लो, जैसे मैंने अप्लाई किया है, थिक अप्लाई कर लो, एंड इसे आप मैक्सिमम 30 से 40 मिनट्स रख सकते हो, मिनिमम 20 मिनट रख दीजिए, उसके बाद स्किन को नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। आप देख सकते हो पूरा तो रिमूव नहीं हुआ है बट काफ़ी हद तक रिमूव हो जाता है, एंड अगर आप रेगुलर बेसिस पर, एवरीडे बेसिस पर यूज़ करो तो ये 5 से 6 दिन आप देखोगे आपकी सन टैन काफ़ी हद तक रिमूव होगी। आप 1 हफ्ते लगातार यूज़ करो तो आपकी सारी सन टैन रिमूव हो जाएंगे। गाइज एकदम नेचुरल है, साइड इफ़ेक्ट फ्री है, एंड स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग भी बना देती है, तो ज़रूर ट्राई करना ये नेचुरल रेमेडीज़ अगर आपकी स्किन पर सन टैन आई है।